हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती का दूसरा इकाई का दूसरा लेसन जंगल, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो इसके लेखक है वह है चित्रा मुद्गल जी। उनका परिचय इस प्रकार है। उनका जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और उनका परिचय चित्रा मुद्गल जी के लेखक में वर्तमान समाज में रीतिती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उनमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। उनके द्वारा जितनी भी रचनाएं की गई है उसमें जो आजकल के समाज में जितनी घटनाएं होती है या जो भी अलग अलग परंपराएं चलती है उनके बारे में ही वो खासकर लिखा करते थे। उनकी प्रमुख कृतियों में कुछ ऐसी है कृतियां है एक जमीन अपनी, आवा आदि, उपन्यास, भूख, लाचा गृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी आदि अनादि, ये इतने सारे जो कहानी थे ये सब उन्होंने लिखा है। जीवक मणिमेक आदि जो उनका बाल उपन्यास है, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि जो बाल कथा उनके संग्रह है, वो बच्चों के बारे में भी अपनी जो संवेदना थी ये सब व्यक्त करते थे। दूसरे पार्ट जंगल में क्या बताया है हम इसके बारे में विस्तार से अभी पढ़ते हैं। रीडर, अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था, मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई, यानी जो बात करवाने के लिए राजी होना वह उसमें राजी नहीं हुई, वो आनाकानी कर रही थी। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है यानी वो पढ़ा रही थी। 12 आते आते वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे क्या हुआ है, घर में सब कुशल मंगल तो है, ऐसा उन्होंने पूछा। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उन्हें पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा, मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी, ऐसा उन्होंने तविशा से कहा। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, तविशा का स्वर भरा सा आ गया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रहे हैं उन्होंने सोनू मोनू, उसमें से सोनू नहीं रहा, यानी मैंने घर पे दो जुड़वा जो खरगोश पाले थे सोनू मोनू, उसमें से एक नहीं रहा, इसके बारे में ही मुझे अम्मा से बात करनी है। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया, उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बहुत बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान, उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे से नीचे से बाहर घसीट लाई, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। जो उसके घर में नौकरानी आई थी उसने भी जो सोनू था यानी जो खरगोश था उसे बहुत जगाने की प्रयत्न किया, परंतु वह नहीं जगा। उसके लिए उसने वह उसे टांग पकड़ कर खींचा, उसे कितना झंकोरा फिर भी वह नहीं जगा और उसमें कोई हरकत नहीं थी। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई, गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल रही थी और वह जब हाथ में उठाया गया तो वह मरा हुआ पाया गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है ही नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चे के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं अब सोनू में, यानी वह मर चुका है। आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे, घंटे भर में प्ले स्कूल के पीयूष घर आ जाएगा। और इसीलिए वह चाहती थी कि अम्मा से तुरंत बात हो जाए और अम्मा घर आ जाए ताकि जो स्कूल से पीयूष आने वाला वो उसे समझा पाए। मांडवी जी घर पहुंची, सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेत पड़ा हुआ था, पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठीठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से,
पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उसे जरूरी लगा। पीयूष एकदम स्तब्ध हो गया था, वह कुछ बोल नहीं रहा था। सोनू को देख के वह एकदम शांत बैठा एक कोने में बैठ गया था। इसीलिए अम्मा को बुलाना चाहती थी ताकि वह पीयूष को समझा सके और जो उसकी स्तब्धता है वह तोड़ सके, ताकि वह फिर से नॉर्मल पहले जैसा रह सके। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है, यानी जो सोनू था बहुत छोटा था, उसे वह छोटा सा खरगोश मरा हुआ देखकर बहुत अजीब लग रहा था। और ऐसा उसकी लाइफ में पहली बार हो रहा था कि इतनी छोटी उम्र में उसे किसी को मरा हुआ देखना पड़ रहा था। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही थी, ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो तो तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने ना दौड़े हो। और जो उसके घर में सोनू मोनू या और पीयूष थे, वो हमेशा एक साथ रहते थे, खेलते थे। कभी भी दरवाजे पर कोई आता था तो वो दोनों ही तीनों मिलकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाते थे। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए हुए दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते थे। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा, दादी दादी। और जो उसकी दादी थी उसने पीयूष को बहुत समझाया, बेटा ऐसा नहीं है, ये सोनू को क्या हो गया है दादी, उसने पीयूष ने दादी से पूछा। उसने कहा कि दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया है। ऐसी मम्मी कब से कह रही है कि पीयूष को कि जो सोनू है जो खरगोश है वह मर गया है। इसीलिए वह मम्मी से बहुत नाराज़ हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि मम्मी झूठ बोल रही है। वह कंधे व रुधेश्वर को साधती हुई से समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा, सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उसकी गोदी में मुंह सटाए उसके चेहरे को देख रहा है, बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकिया भर रहा था मोनू, काली बदली उसके चेहरे पर उतर आई थी। और जो उसका साथी था सोनू का मोनू, वो भी बहुत दुखी था। वो भी उस सोनू के साथ हंसता खेलता रहता था। और जो मोनू की हालत थी उसे देखकर जो उसे भी उन्होंने अपने गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया। वो भी उस दिन वो रो रहा था अपने साथी के लिए और हिचकिया ले रहा था। काली बदली उसके चेहरे पर उतर आई थी। वो भी बहुत मायूस हो गया था जो उसका साथी था मोनू। अरिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न किया हो, शैलेश ने कहा था ऐसा करे, अम्मा घर पहुंच ही रही है, आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दे। और जो उसका बेटा था जो शैलेश था वह कह रहा था कि आप जो तविशा है उन्हें तविशा ने उन्हें इन्फॉर्म किया होगा या तविशा ने जो शैलेश को बताया होगा, परंतु शैलेश ने कहा था ऐसा करे अम्मा घर पहुंच ही रही है, आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर जो खरगोश था उसे उठाकर कहीं नाले में फिकवाने के लिए वो बेटे शैलेश ने कहा था। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उसके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज़ नहीं फिकवा सकती, वह क्योंकि जो पीयूष था वह सोनू से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि उसे नाले में फिकवाया जाए। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में ना पाकर उससे अबोध मन से जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा उसे संभालना कठिन होगा। और जो पीयूष था, ऐसा करने पर पीयूष के मन में बहुत सारे सवाल आ जाते, इसीलिए जो अम्मा थी वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ऐसा करने पर जो पीयूष था उसके मन में बहुत सारे सवाल आ जाते और उन सभी सवालों का जवाब देना बहुत कठिन हो जाता था। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी, इनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए, पहुँचता हूँ शैलेश ने कहा। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़े ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा, नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है और
उन्होंने पीयूष को समझा दिया था कि हम इसे अभी गाड़ने के लिए लेके जा रहे हैं तुम्हारे पापा, क्योंकि जब नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया किसने किया दादी? ऐसा उनके मन में सवाल उठ रहा था दादी के मन में, कि जो पीयूष था वो सिर्फ हमेशा उन दोनों खरगोशों के साथ ही रहता था, परिवार के साथ उसका ज़्यादा लगाव क्यों नहीं था? ऐसा दादी के मन में सवाल उठ रहा था। उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे, दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना, तुम ही बताओ माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? ऐसा वो कहता है, होते हैं ना दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था, ऐसा पीयूष कहता है। दादी दादी, दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है। मर सकता है कैसे? हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा, तविशा और शैलेश के संग मोहरोली से शैलेश के मित्र के बच्चों के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था, जालीदार बड़े से बांगड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए था। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षियों को पालना कठिन होता है, कहाँ रखेंगे उन्हें। चाहता था कि उनके माता पिता उससे प्यार नहीं करते, इसीलिए वह चाहता था कि वो भी खरगोश पाले घर में और तोते रखे। इसीलिए जब वो अपने मित्र के घर पे जन्मदिन पर गया, उसने वहाँ देखा कि नीम के पेड़ पर तोते का पिंजरा लटका है और उसके घर पे खरगोश भी है। तब वो यह देखकर उसे भी अपने घर में फ्लैट में खरगोश और तोते पालने का मन हुआ। परंतु जो शैलेश था उसके, उन्होंने समझाया कि फ्लैट में पशु पक्षी पालना बहुत कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें, ऐसा उनके मन में ख्याल आने लगा। फिर पीयूष ने कहा कि हम उसे बालकनी में रखेंगे। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उन्हें बहलाना चाहा, पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेगा, सूसू छिछी करेंगे, उसकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा, ऐसा सभी के मन में ख्याल आने लगा। और सभी सोचने लगे कि ये एक ही जगह तो बंद करके नहीं रखा जा सकता, इसे थोड़े देर के लिए खुला छोड़ना पड़ेगा, तब ये घर में यहाँ वहाँ भागेगा, सूसू सिच्छी करेगा और टट्टी पेशाब कौन इसका साफ करेगा, ऐसा सब सोचने लगे। तो पीयूष बोलता है कि सब दादी करेगी, दादी पढ़ाने कॉलेज ले जाएगी तो उसके पीछे कौन करेगा, स्कूल में घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। वह कह रहा था कि जब मैं स्कूल जाऊँगा कॉलेज जाऊँगा तब दादी करेगी, और मैं फिर स्कूल से घर लौटूंगा तब मैं करूँगा। यह सुनकर सारा घर हंस पड़ा। सब लोग तब तक और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती है, क्यों ना इस बार वो उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उसका नामकरण भी कर दिया गया सोनू मनु। और जो सोनू मनु में से जो सोनू की मृत्यु हो गई थी, वह जो सोनू और मोनू से मिले थे वह उसके जन्मदिन पर दादी द्वारा उसे मिले थे। सोनू मोनू के साथ उसका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सास सोसाइटी में उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य में ईर्ष्या करते रहे। और उसने जो खरगोश के लिए जालीदार नुमा घर खरीदा था वह उसे अपने विंडो पे रखता था, और यह सब देखकर जो वहाँ के आसपास के लोग रहते थे वह उससे कभी कभी ईर्ष्या भी करते थे। दूसरे रोज भी सोनू मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयूष को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयूष उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख धाड़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह सोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं था। और जो सोनू मोनू में जो सोनू की डेथ हो गई थी, इसके बाद जो मोनू था वो भी बहुत उदास हो गया था, इसीलिए वो भी घर में एकदम शांत चित्त रहता था। वो कहीं किसी के साथ नहीं खेलता था। वह
जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी उस दिन उसने रात को दूध का कटोरा छुआ भी नहीं था और दूध पिया भी नहीं था। नहीं, बगल में रखे हुए सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। उसे मोनू की चिंता होने लगी। यह देखकर जो सभी घर वाले थे उसे उन्हें भी जो मोनू था उसकी चिंता होने लगी। तविशा अपराध बोध में भरी हुई थी। मांडवी दी ने उसे अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घूम रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक था कि एकाध गोली ओने कोने में छूट गई होगी। और फिर जो तवीसा थी वो अपराध बोध से भरी हुई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो सोनू था वो मेरी वजह से मरा है, क्योंकि उसने चावल में डालने के लिए जो डाबर के पारे की गोलियां की शीशी खोली थी वो उसमें से कुछ गोलियां नीचे गिर गई थी। उसने गोलियां तो उठा ली थी, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गोलियां वो जो कोने वोने में चली गई है और वही जो सोनू है वो खाकर मर गया है। दादी, मोनू मेरे साथ खेलना क्यों नहीं चाहता? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है, ऐसा दादी ने समझाया। वह दुखी है, दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी, ऐसा दादी ने कहा। मुझे भी तो सोनू के साथ जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर पीयूष के मुंह पर हाथ रख दिया, डांटा, कहा कि पीयूष ये क्या बोल रहे हो तुम, कुछ भी बोल रहे हो। फिर पीयूष ने उत्तर दिया, प्रतिवाद किया कि आपने ही तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया है, तो हम भी तो बहुत दुखी हैं, क्या हम भी मर जाएंगे, ऐसा उसने कहा था। उसे अपने माँ बाप को बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो, फिर कैसा दुख है? दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से, ऐसा उसने दादी को कहा। मांडवी दी निरुत्तर हो गई। ऐसा सुनकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। दादी, हम सोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं, ऐसा उसने दादी को कहा कि वह अपने भी माता पिता के पास चले जाएगा तो वह भी जिंदा रहेगा, वह सोनू की तरह मरेगा नहीं, नहीं मरेगा। पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का ठंड भर आया। ऐसा उसने कहा कि तू सोनू मुना के सोनू मोनू के साथ हमेशा खेलता कूदता रहता था, क्या मोनू चले जाएगा तो तू रह पाएगा? मांडवी दी का कंठ भर आया। वह जो कंठ उनका जो गला था वह बहुत भारी हो गया था। फिर पीयूष ने कहा कि हाँ मैं रह लूँगा, ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले, रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाए, ऐसा उन्होंने कहा। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए, कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी, ऐसा पीयूष ने कहा। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। और जो पीयूष था उसे समझ आ गया कि जो प्राणी होते हैं उन्हें भी अपने माँ बाप के साथ रहने का पूरा अधिकार है, इसीलिए जो पूरा परिवार था वो पीयूष की बातों से बहुत खुश था। इसमें कुछ शब्द संसार है, यानी कुछ शब्दों के अर्थ, जैसे अनुशासन यानी नियम, झिझक, लज्जा, संकोच, बुहारना, झाड़ू लगाना, बुदबुदाना, अस्फुट स्वर में बोलना यानी धीमी आवाज में बात करना, कोम्पल यानी नई पत्तियां, धमा चौकड़ी यानी उछल कूद करना, उपद्रव मचाना, बिटर दृष्टि, नजर गड़ाए देखना, कीच यानी कीचड़, दलदल, चितकवरी रंग बिरंगी, पोखर जलाशय तालाब, हमजोली यानी साथी और संगी, निष्पद यानी निश्चल स्तब्ध, प्रतिवाद खंडन करना, विरोध करना। और कुछ मुहावरे हैं, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चित होकर सोना बिना किसी टेंशन के, घात लगाना, किसी को हानि पहुंचाने के अवसर ढूंढना, ये कुछ शब्द संसार हैं।